आज हम लोग बीएससी सेम वन के फर्स्ट इनऑर्गेनिक के फर्स्ट लेसन जो कि एटॉमिक के स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग जो आज ले रहे हैं वो है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। बोर्स का एटॉमिक बोर्स ने नील्स बोर ने 1913 में इस मॉडल को दिया था। इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1922 में मिला था। इन्होंने ये जो मॉडल था, सबसे बड़ी इसकी खासियत यही थी कि एक पहला मॉडल था जब ये आया था, ये फर्स्ट मॉडल था जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। फर्स्ट मॉडल बेस्ड ऑन अपने मॉडल को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं जो कि हम लोग उनके पोस्टुलेट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखा जाए। उन्होंने क्या कहा, अपने मॉडल को कैसे प्रूफ किया है कि ये इस एटम जो होता है ये इसी तरह का होता है। सबसे पहला जो उनका पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी रिवॉल्व करता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ। लेकिन बोर्स ने क्या किया, बोर्स ने ही पहली बार बताया कि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जो कि फिक्स्ड होता है, यानी कि इसको हम लोग एक और नए नाम से जानते हैं, ऑर्बिट, इसी को कहते हैं। और इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इसी को हम लोग स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो ऑर्बिट है उस उन्होंने कहा कि इस ऑर्बिट का जो इनर्जी है और जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें रहेगा तो क्या करेगा, वो किसी तरह का एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज इन दिस स्टेट। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, लेकिन कि कहाँ करेगा, इस सर्कुलर पाथ में करेगा जिसका कि रेडियस जो है और जिसका एनर्जी दोनों की फिक्स है। नेक्स्ट पोस्टुलेट यहीं पे रदरफोर्ड को इनके ड्रॉबैक को वो ओवरकम करते हैं कि उन्होंने बताया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कहाँ करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बोर्स ने सबसे पहले अपने जो पोस्टुलेट है उसमें यही बताया कि यही इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और क्यों इसको यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक की एनर्जी फिक्स रहेगी, इस रेडियस की भी रेडियस भी इस ऑर्बिट का फिक्स होगा और कोई भी एनर्जी ये रेडिएट नहीं करेगा। जब ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो कोई भी एनर्जी ये रेडिएट ही नहीं करेगा, तो अपने सर्कुलर पाथ में जब तक चाहे तब तक फ्रीली रिवॉल्व कर सकता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। रदरफोर्ड ने नहीं बताया था तो उससे क्या था कि न्यूक्लियस के साथ वो कोलैप्स कर सकता था। जब ये एनर्जी घूमते जाए लास्टली क्या होगा, इससे क्या करेगा, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार वही उनका ड्रॉबैक था कि यहाँ आगे क्या हो जाता, वो कोलैप्स कर जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता तो जरूर है लेकिन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में
घूमता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अंटिल अनलेस एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तब तक इस ऑर्बिट में घूमते रहेगा, तब तक इस ऑर्बिट में घूमते रहेगा जिस भी सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है, जब तक कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी ना दिया जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये तब तक इसमें तब तक इसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक कि इसको कोई एनर्जी ना दिया जाए। अगर इसको कोई एनर्जी दे दिया गया तो क्या होगा, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे भी वो 10^-8 सेकेंड से ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, तो क्या करेगा, उसकी मजबूरी होगी, उसके बाद वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा लोअर एनर्जी लेवल पे। लेकिन लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा उस समय क्या होगा, इसके द्वारा एनर्जी का इमिशन होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि ये अपने ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा जब तक इसको हम एनर्जी नहीं देते हैं, या फिर अगर हायर एनर्जी लेवल वाले में गया तो वहां पर भी वो नहीं, वहां से क्या होगा, अपने एनर्जी जो इसको दिया है उसको इमिट करके फिर क्या करेगा, अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। यानी कि कब ऑर्बिट चेंज होता है, जब उससे उसको या तो एनर्जी दिया जाए या उससे एनर्जी का लॉस हो, इससे एनर्जी निकले। कैसे निकलेगा, तो इमिशन के द्वारा निकलेगा, जो भी रेडिएशन वो देगा उसके द्वारा निकलेगा। तो क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तब क्या हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल से अगर ये अगर इसको हम लोग N1 मान लो, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल से अगर इसको हम लोग N1 माने तो उससे हायर एनर्जी लेवल की तरफ हो जा रहा है। जैसे कि यहां पर अगर इसको N1, ये N2, ये N3, ये N4 है, तो क्या हो रहा है, N1 से में है और यहाँ पे एनर्जी लेके ये कहाँ चला जा रहा है, N4 में। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल क्या है, N1, और एनर्जी लेके कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल N4 में। लेकिन अगर इमिशन ऑफ एनर्जी होगा तो क्या होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी ये क्या कर रहा है, जब इमिट कर रहा है एनर्जी को तो क्या हो रहा, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल पे। कहाँ से जंप करेगा, जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पे N4 है टू लोअर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है और H nu के यूनिट में होता है। जैसा कि हम लोग प्लैंक से भी जानते हैं कि जो लाइट होता है वो बहुत सारे फोटोन से मिलके बना होता है और एक हर एक फोटोन जो है H nu के यूनिट में रहता है। तो वही सेम बात इन्होंने कहा कि एनर्जी एब्जॉर्ब
और इमिटेड इज क्वांटाइज एंड इन एच न्यू यूनिट, यानी कि ई जब भी होगा तो वो एच न्यू के रूप में रहेगा, जहाँ की एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट जो उनका पोस्टुलेट था वो ये था कि ये जो एनर्जी, जो भी यहाँ से एनर्जी लेकर ऊपर जा रहा है फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, इसका वेवलेंथ जो है डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी ये ऑब्जर्व करके और किस एनर्जी लेवल पे गया है। यानी कि चौथा इनका जो था वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन energy of initial field and initial and final state। मान लेते हैं उन्होंने पहले ही पोस्टुलेट में कहा था कि इसकी एनर्जी फिक्स होगी, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, तो ये N1 ऑर्बिट जो है उसका एनर्जी है E1, N2 वाले की एनर्जी है E2, N3 वाले की E3 और N4 की E4। तो उन्होंने कहा जो वेवलेंथ जो होगा वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल स्टेज में जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, और फाइनल स्टेज में जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, उसके डिफरेंस पे ही वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो डिपेंड करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यानी कि इनका कहने का ये है तात्पर्य कि एच न्यू जो होगा, जैसे कि अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कुछ होगा, यहाँ E1 का कुछ और है और E4 का कुछ और है, तो जो ये एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ये E को हम लोग क्या क्या कर लिख सकते हैं, एच न्यू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं E4 और E1। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि E1 भी कांस्टेंट होगा, E2 भी कांस्टेंट होगा, E3 भी कांस्टेंट होगा, E4 भी कांस्टेंट होगा, तो क्या डेल्टा ही नहीं कांस्टेंट होगा, डेल्टा ही भी बहुत कांस्टेंट ही होगा। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू E4 माइनस E1। और अगर हम केवल लैम्डा के टर्म में इसको लिखना चाहें तो 1/λ इज इक्वल टू E4 माइनस E1 बाई HC। ये कांस्टेंट है, क्योंकि E4 कांस्टेंट है, E1 कांस्टेंट है, तो डेल्टा ही भी क्या होगा, हमेशा इसका डिफरेंस भी एक कांस्टेंट ही होगा, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये भी तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, दोनों कांस्टेंट ही है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो लेमडा हमको मिलेगा हर एक जंप के लिए वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा, यानी कि क्वांटाइज ही होगा। आगे हम देखेंगे जब उन्होंने ये सारे वैल्यू को निकाला है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसको भी आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चलते हैं कि आगे उन्होंने और क्या दिया। नेक्स्ट उनका जो था पोस्टुलेट वो ये था कि आखिर स्पेक्ट्रम फॉर्म कैसे करता है, और उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे भी वर्क किया है और इसी से अपने थ्योरी को प्रूव भी किया है, जो हर एक आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट था
is formed by emission of energy then it is called emission spectrum. Emission spectrum. And if a spectrum of an atom is formed by absorption of energy, then it is called absorption spectrum. Absorption spectrum. यानी कि दो तरह से हम लोग स्पेक्ट्रम का स्टडी कर सकते हैं. एक केस है जब इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हायर स्टेट्स पे चला गया, और वहां से जब वो अपने फिर इनिशियल स्टेज पे आएगा तो कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, उस समय जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. और पहला कंडीशन जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग कुछ एनर्जी दे, उसको एब्जॉर्ब करे और फिर हायर ऑर्बिट में जंप करे, तो उस समय अगर हम लोग स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. इसका मतलब ये है कि अभी तक जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि लैम्डा फिक्स है, कांस्टेंट निकल रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी इलेक्ट्रॉन का किसी खास ऑर्बिट में वो भी क्या होगा, फिक्स होगा. हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर मोमेंटम. ये आई क्या होता है और एम आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, वी बाई आर. वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी. यहाँ पे अगर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. और इस सारे वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दे तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, और क्या हो जाएगा, एम वी आर. यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एम वी आर. और इन्होंने कहा कि ये क्वांटाइज और एक फिक्स वैल्यू होता है, क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, जहां की एन क्या है, इंटीग्रल है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1, 2, 3 और सो ऑन होते जाता है. यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इनके कहने, ये सारे बात का मतलब बस यही था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल और केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां कि उसका एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई के टर्म में हो. यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन revolve only in those orbit in which its angular momentum is equal to nh by 2 pi.
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वही रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है एन एच बाई टू पाई के टर्म में रहे। यानी कि अगर इसका अगर पहला ये एन वन है तो क्या होगा, यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई हो, आगे अगर दूसरे ऑर्बिट में क्या हो, टू एच बाई टू पाई हो, यहाँ पर थ्री एच बाई टू पाई हो। कोई ऐसा ऑर्बिट नहीं होगा जहां पर कि उसका एंगुलर मोमेंटम हाफ एच बाई टू पाई हो, या यहाँ पर भी कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा तो ये इसी टर्म में एन एच बाई टू पाई के टर्म में रहेगा, यानी कि वही और वही केवल ऑर्बिट होगा जहां पर कि उसका एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई हो सके और दूसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग आज जो पॉस्टुलेट पढ़े इसके बाद आगे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे उन्होंने हाइड्रोजन एटम में इसको अप्लाई किया है, रेडियस निकाला, एनर्जी निकाला है और इसका लिमिटेशन क्या क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।